जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से बागेश्वर कोतवाली पुलिस ने वाहन चालकों तथा यात्रियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम संचालित कर उन्हें कानूनी जानकारी प्रदान की। कोतवाल कैलाश नेगी ने बताया कि जिला जज तथा पुलिस अधीक्षक के आदेश पर बागेश्वर पुलिस लगातार जन जागरूकता के कार्यक्रम संचालित कर रही है। विधिक सेवा प्राधिकरण सदस्य अधिवक्ता मोहन राम आर्य ने वाहन चालकों तथा यात्रियों को कानूनी जानकारी प्रदान की। टैक्सी स्टैंड के ड्राइवरों को आम जनता को जानकारी दी, वो सड़क सुरक्षा से संबंधित, सड़क से जो सुरक्षा होनी है मानव जीवन की सुरक्षा से संबंधित जानकारी दी इनको। मानव जीवन की सड़क से क्या जीवन को क्या संकट आ सकता है और सड़क पर कैसे चलना है और आम आदमी का क्या कर्तव्य होता है सड़क पर चलने का, उस संबंध में जानकारी दी, जिनको जनता ने बहुत मन लगा करके सुना और उस पर जो है बहुत गौर भी किया। और जो मोटर अधिनियम से संबंधित जानकारी है, और सारे लोग टैक्सी चालक थे, इनको मैंने चालक से संबंधित, वाहन से संबंधित, रजिस्ट्रेशन से संबंधित और वाहन को कैसे चलाया जाता है इससे संबंधित जानकारियां दी और लोगों ने इसको सुना और भविष्य में इसका वो उपयोग भी करें। हमारे बागेश्वर जिले में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार और जिला माननीय जिला जज महोदय के आदेशानुसार ये लगातार जागरूकता अभियान शिविर हमारे लगातार चलाए जा रहे हैं। इस संबंध में हमारे द्वारा स्कूलों में, टैक्सी स्टैंड में, बाजार में, गाँव में जा जा करके जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आज यहाँ पर माननीय न्यायालय की तरफ से जिला विधिक का शिविर लगाया गया था और इसी में हमारे द्वारा जो है अन्य अपराधों के संबंध में, साइबर के संबंध में, लोगों को महिला अपराधों के संबंध में और नशे के संबंध में जागरूक किया गया। तो इस संबंध में यहाँ पर जो सबसे पहले माननीय हमारे विधिक सेवा के प्राधिकरण से जो मेंबर आए हैं उनके द्वारा कानून मोटर वाहन से संबंधित नियम कानून के बारे में हमारे चालकों को, हमारे स्थानीय लोगों को बताया गया और उनकी जो भी समस्याएं थी मोटर वाहन से संबंधित, जिस तरह के उनकी समस्याएं थी उनके बारे में बताया गया और उन्हें बताया गया कि आपको कहीं पर भी समस्याएं आती हैं तो आप जो है निःशुल्क सेवाएँ जो है विधिक सेवा प्राधिकरण में आकर के ले सकते हैं या पुलिस से भी इस बारे में पता कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त मेरे द्वारा यहाँ पर लोगों को साइबर क्राइम के बारे में बताया गया, जैसा कि आजकल विभिन्न प्रकार के तरीके से लोगों को ठगा जा रहा है, मोबाइल में आप कई तरह की भ्रांतिपारक सूचनाएं आती हैं कि आपका जो है एक्सीडेंट हो गया है फलाने बच्चे का, या आपके बच्चे ने ये अपराध कर दिया है, या यहाँ पर ये हो गया है, या आपका यहाँ पैसा आ रहा है। इसी में जो दुनिया भर की OTP पिन मांग करके लोगों से जो है उनका खाता खाली कर देते हैं। इस संबंध में लोगों को बताया गया कि आप जागरूक रहें, कहीं पर भी कोई सूचना बिना किसी उसके न दें जब तक आप पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो जाते हैं, या पुलिस से उसकी जानकारी कर लें या वकीलों से जानकारी कर लें तब जाकर के आप अपना पैसा डालेंगे। एकदम कहीं पर भी उत्तेजित होकर के या आवेश में आकर के पैसा नहीं डालना है। इसके अलावा जो है विशेषकर जो है हमारा अब नज़दीक में जो है रामलीला महोत्सव शुरू हो जाएगा, नंदा देवी और कई सारे हमारे महोत्सव शुरू होते हैं। इस दौरान जो है स्थानीय लोग, दूर दूर से लोग रामलीला महोत्सव में आते हैं, तो इसमें जो हर आदमी प्रयास करेगा कि नशे का जो है बिल्कुल प्रतिबंध रहे, कोई भी आदमी मादक पदार्थों का सेवन न करे, न ही इसका किसी तरह से तस्करी हो। जहाँ पर भी इस तरह से अगर शराब की, चरस की या किसी अन्य पदार्थ की, मादक पदार्थों की तस्करी होती है या उनको पता लगता है पीता है आदमी या कहीं पर इस तरह का अपराध किया जाता है, तो उसकी तुरंत सूचना आप पुलिस को दें, 112 पर दें या किसी और माध्यम से पुलिस को दें, तो उसमें तुरंत कार्रवाई होगी। जिसमें हमारे SP साहब, नए SP साहब का जो है बहुत ही ज़्यादा इसमें उनका रुझान गया है कि नशा से इस बागेश्वर को बिल्कुल मुक्ति किया जाए। इसके अन्य महिलाओं से संबंधित अपराधों के बारे में हमारा अभी लगातार अभियान चल रहा है, महिलाओं के अपराधों के संबंध में भी इनको जागरूक किया गया कि कहीं पर भी किसी भी महिला से संबंधित कोई भी अपराध हो तो आप उसकी तुरंत सूचना दें और गाड़ी में भी उनके साथ जो है कई इस तरह शालीनता का व्यवहार करें। इन सारी चीज़ों के बारे में हमारा ये अभियान लगातार जारी रहेगा। इसी क्रम में यहाँ पर भी आज एक अभियान रखा गया था। CGN News के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।